भी ऐसी है। तो आज सौनक जी महाराज को भी जब कहा तो उनके सीधा बात समझ में नहीं आई। सौनक जी ने फिर प्रश्न रख दिया कि प्रभु आप कहते हैं कि भागवत को सुन लो, इससे काल रूपी सर्प से मुक्ति मिल जाएगी, क्या कभी किसी को मिली आज से पहले? कृपा करके ये बताओ, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रमाण चाहिए। आज सौनक जी भी प्रमाण मांग रहे हैं, तो सूत जी महाराज कहते हैं क्यों नहीं। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। अरे सौनक जी महाराज, एक समय की बात है, परीक्षित जी को मुक्त करने के लिए 7 दिन में श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे, तो अचानक जब देवताओं ने स्वर्ग से देखा कि परीक्षित को भागवत कथा सुनने को मिल रही है, अरे हम तो स्वर्ग के देवता, आज तक हमको ये कथा नहीं मिली, चलो चलो चलो, ये परीक्षित तो 7 दिन बाद मर जाएगा, तो हम क्या करते हैं, अपने स्वर्ग के अंदर जो मूल हमारी निधि अमृत है इसको लेकर के चलते हैं, और जा करके इस अमृत के घड़े को सुखदेव जी को दे देते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप इस घड़े अमृत को परीक्षित को पिला दो, क्योंकि ये तो मरने वाला है, जब अमृत पीलेगा तो ये अमर हो जाएगा, पर शर्त ये है कि कथा हमको पिला दो, कथा का पान हमको करा दो। देवता लोग स्वर्ग में विचार कर रहे हैं, और विचार करके फिर सब लोग एकत्रित होकर के इकट्ठे होकर के नीचे आए, उसी सभा में जहां सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को। जब वहां पहुंचे तो सुखदेव जी को नमन किया, जब नमन किया और नमन करके कहने लगे कि हे सुखदेव जी, कृपा करके इस स्वर्ग के अमृत को स्वीकार कीजिए और परीक्षित को इसका पान करवा दीजिए प्रभु, और हम लोगों को ये कथा का पान करवा दीजिए। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहीं जनु परमारथी। क्योंकि देवता की तो नियत ही स्वार्थमयी है, आज ऐसे वचन कहते हैं जैसे परीक्षित के इतने माने वो होंगे हितेशी की इनसे बड़ा कोई हितेशी होगा ही नहीं, आकर के कहते हैं कि इनको अमृत पिला दीजिए। अब सुखदेव जी महाराज ने एक बार सुना, दो बार सुना, जब बार बार देवता लोग उसी बात को कह रहे थे तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे, सुखदेव जी महाराज कहने लगे देवताओं से कि हे देवताओं, ये तुम क्या कहते हो, तुम्हारा यह अमृत मैं ले लूं, परीक्षित को पिला दूं और तुमको ये कथा पिला दूं? अरे तुम इस कथा रूपी अमृत से अपने स्वर्ग इस तुच्छ अमृत, अरे भूल है देवताओं, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचह क्व मणिर महान, कहां तो कांच तुम्हारा यह अमृत स्वर्ग का, और कहां हमारी यह मणि भगवान सच्चिदानंद की कथा, तुम कांच और मणि की एक साथ कंपेयर कर रहे हो, समानता दिखा रहे हो कि ये एक जैसे हैं, नहीं नहीं जाओ यहां से, तुमको कथा नहीं सुनानी। तो देवताओं ने कहा प्रभु आपने हमारे इस अमृत को इतना छोटा कैसे मान लिया? तो सुखदेव जी ने बड़ा अच्छा तर्क दिया, सुखदेव जी ने कहा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा यह अमृत श्रेष्ठ है तो ये तो तुमने पान किया, और इसको पान करने के बाद में तो तुमको किसी से डरना नहीं चाहिए, पर जब रावण का जन्म हुआ और रावण ने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, तो सभी देवताओं का वर्णन रामचरितमानस में आता है कि सब लोग गुफाएं देखते फिरते थे कि कहां हमको छुपने की जगह मिले, रावण आ रहा है, तो बोले तुम्हारे में अब तक भय कैसे रह गया इस अमृत को पान करके, ये बताओ।
और देवताओं इस अमृत कथा रूपी अमृत का पान सनक सनंदन ने किया, हनुमान जी ने किया, क्या कोई भगवान के भक्त को तुमने भागते हुए देखा? पर तुम लोग तो अब तक भागते ही फिरते हो, कभी किसी दैत्य से कभी किसी दैत्य से। अगर इस अमृत में ही शक्ति पावर होती तो ये तो तुमको कहाँ पहुंचा देता। इसलिए तुम्हारा जो अमृत है ये अमरत्व तो दे सकता है पर अभयत्व नहीं दे सकता। पर हमारी यह भागवत की जो कथा है ये जीव को अमर भी बनाती है और अभय भी प्रदान कर देती है। इसीलिए संसार भयनाशनम, भगवान की कथा संसार के भय का नाश करने वाली है। और सबसे बड़ा कष्ट तो भय का ही है। किसी व्यक्ति के जीवन में गरीबी है, लड़की जवान हो गई, विवाह का समय आ गया, अब विवाह करने के लिए धन नहीं है, सोना वैसी महंगा हो गया है आजकल, तो उसके जीवन में ये भय है कि मैं अपनी लड़की का विवाह कैसे करूं। किसी के बच्चा अभी नौकरी नहीं लगा, घर में रोजगार का साधन नहीं है, तो उसके जीवन में वो भय है। अलग अलग अपने अपने स्थिति के अनुसार हमारे जीवन में भय बना हुआ है। पर भगवान की यह भुवन पावनी गाथा की विशेषता है कि जब जीव इसकी शरणागति ले लेता है तो ये संसार के हर प्रकार के भय को नष्ट कर देती है। इसीलिए तो हम श्राद्ध पक्ष में बैठ करके इसका श्रवण कर रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई कमी है उसको आप पूर्ण बना करके हमारा प्रेम अपने चरणों में करवाइए। क्योंकि अगर संसार की कमी आप रखोगे तो आपसे प्रेम करने में बाधा पड़ जाएगी, और संसार के जो व्यवहार हैं उनमें हम परिपूर्ण रहेंगे तो आपसे प्रेम भी हमारा बना रहेगा, नहीं तो गृहस्थ के झमेलों में ही फंस जाएंगे प्रभु। अब सूत जी सौनक जी को कथा सुना रहे हैं कि देखो देवताओं को दूतकार के वापिस भेज दिया स्वर्ग, कहा हमको नहीं जरूरत तुम्हारे अमृत की और वापिस जाओ, तुम कथा सुनने के अधिकारी हो ही नहीं, क्योंकि राम कथा का अधिकारी कौन है? तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा के तेई अधिकारी, 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 जिनके सत संगति अति प्यारी, सत संगति अति प्यारे, जिनके सत संगति अति प्यारी। भगवान कृष्ण की कथा भगवान राम की कथा का अधिकारी है कौन? बोले जिनको सतसंगति प्यारी है। हम लोग इस पांडाल में भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा को श्रवण करने का मुख्य ध्येय केवल हर जीव का एक ही है। क्या ध्येय है? बोले सत के साथ हमारा संग हो जाए। क्योंकि अब तक हम कष्ट हमारे जीवन में जितना है ये इसलिए है हमारा संग असत से हुआ हुआ है, और जब ये संग सत से हो जाएगा तभी हम निर्भय बनेंगे, जभी हम सुखी बनेंगे, जभी हमारे जीवन में दया दान धर्म आएगा, जब सत से हमारा संग होगा। और देवताओं का संग तो असत से था, क्योंकि देवताओं ने स्वर्ग के अमृत का पान किया तो उसके बाद देवता मदमत्त हो गए और इनको क्या दिखने लगा? बोले उर्वशी दिखने लगी, रंभा दिखने लगी, विषय भोग दिखने लगे उस अमृत का पान करके। पर भागवत की इस कथा की विशेषता, जब कोई भक्त इस कथा को चित्त लगा के श्रवण करता है तो वो विषय से विमुख हो जाता है और भगवान के सम्मुख हो जाता है। और जब भगवान के सम्मुख जीव हो जाता है तो भगवान क्या कहते हैं?
भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बाबा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मेरे सम्मुख हो गया है उस जीव को मैं उसके स्वरूप को प्राप्त करवा देता हूँ। अभी हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं और जिस दिन यह स्वरूप हमको अपना ज्ञात हो गया, भगवान की झलक की थोड़ी सी भी अनुभूति हो गई, उस दिन फिर काम बन जाएगा। और जब तक वो सम्मुख भगवान के जीव नहीं होगा, जब तक काम बनने वाला नहीं है। आज देवताओं को वापस जब स्वर्ग में भेजा और देवता लोग भाग करके गए ब्रह्मा जी के पास में और जा करके कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी महाराज, हमारे साथ तो बड़ा बुरा हुआ। हम स्वर्ग के देवता बड़े अपने आप को सम्मानित मानते हैं, पर पृथ्वी पर जाकर के हमारा अपमान हो गया। प्रभु, सामान्य मनुष्यों ने हमारा अपमान कर दिया। हम गए थे कथा सुनने, हमने कहा इस स्वर्ग के अमृत को आप ले लो सुखदेव जी और हमको कथा रूपी अमृत दे दो, पर उन्होंने तो हमको वापस भेज दिया, कहा आप अधिकारी ही नहीं हो। ब्रह्मा जी महाराज, इस कथा की ऐसी क्या विशेषता है कि ये कथा हमारे इस स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर हो गई आज।